पिछले एपिसोड में आपने देखा माया को सब सूर्य मंदिर ले गए, जहाँ महागुरु ने माया को बचाने के लिए हवन की शुरुआत की। हम पहुँचे राजा की हवेली, हमें पता चला कि सूरजपुर में सूर्यास्त हो चुका है और हमने माया को हमेशा के लिए खो दिया। हम देखिए आगे। महाराज जी, हम आपको चाबी देने के लिए तैयार हैं। आखिर तू मेरी चाल में फंसी गया। गुड़िया लोक में इंसानों की आने पे सख्त पाबंदी है। तुम लोगों ने ये कानून तोड़ा है, इसकी सजा तुम लोगों को मिलेगी। मौत की सजा। कोई तो रास्ता होगा, भगवान ऐसे एक मासूम की जान नहीं ले सकते। मैं तुम्हारे परिवार के दर्द को समझ सकता हूँ, पर क्या आदित्य? क्या हुआ गुरुजी, अब बोलने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? अब माया और उसकी आत्मा इस संसार में नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र माया के शरीर का दाह संस्कार करना होगा। जी, गलती मेरी है, मैं ही अपना काम करने में नाकामयाब रहा, मेरे कारण ही माया। आपको जो करना है मुझे करिए, मुझे मारना है मुझे मारिए, पर मेरे भाई विशु को यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। मेरा नाम चुलबुल, बोलो बात पते की महाराज। बाकी इंसानों के जैसे ये बुरे तो नहीं लग रहे हैं। बुरे हो या ना हो, पर गुड़िया लोक में आने की सजा तो जरूर मिलती है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा। महाराज, हम जानबूझ के थोड़ी ना आए थे, हमें आना पड़ा क्योंकि आपके लोग की शैतानी गुड़िया ने हमारी बहन की आत्मा छीन ली, और वो भी इसी लोक में है। अभी ये तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे। गुड़ियों की नगरी, गुड़ियों के राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। मेरा नाम है अभी, बोलू बात पते की। महाराज, आपको जो निर्णय लेने मैं तैयार हूँ। मेरी गलती है, मैं ही सूर्यास्त तक आप तक पहुँचने में नाकामयाब रहा। मेरी गलती के कारण ही मेरी बहन माया की जान चली गई। सूर्या, गुड़िया लोक में सूर्यास्त होने में अभी एक घंटा बाकी है। दास संस्कार, क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? समझने की कोशिश करो आदित्य, माया एक माया भी थी, शक्तिशाली माया भी। इसके रोम रोम में जादू बसा हुआ है, ऊपर से इसकी मृत्यु भी जादू से ही हुई है, इसलिए इसके शरीर को नष्ट करना होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसका शरीर ठंडा होता जाएगा, कई भूत पिशाच माया की शक्तियों को पाने के लिए उसके शरीर को वश में करने की कोशिश करें। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? नहीं गुरुजी। आप लोगों के पास एक घंटा है, यदि आपने इसका शरीर नष्ट नहीं किया तो ये कार्य मुझे स्वयं करना होगा। महाराज, आपको हमारी से जो कहना कर लीजिए, हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन अब प्लीज
प्लीज हमारी बहन की आत्मा को मुक्त कर दीजिए प्लीज। हाँ महाराज प्लीज। तो आत्मा तुम्हारी बहन की आत्मा यहाँ है लेकिन उसका शरीर तो पृथ्वी पर है और आत्मा तो तभी काम आएगी ना जब शरीर होगा। कहीं उसे जला दिया होगा तो फिर तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है महाराज। माया की आत्मा लौटा दीजिए जल्दी प्लीज। तो ये चाहिए तुम्हें ठीक है। अगर मैंने आत्मा तुम्हें वापस कर भी दी तो उसके बदले में तुम दोनों मुझे क्या दोगे? आपको जो चाहिए वो दे देंगे। अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। हाँ ठीक है उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए। पहली तुम्हारे शरीर में छुपी हुई रुद्र की मायावी चाबी। चट भी मेरी और पट भी। अभी मरेगा तो भी चाबी मुझे मिलेगी और अगर राजा तक पहुंच भी गया तो भी चाबी मुझे मिलेगी। और तीनों लोगों पर होगा मेरा राज और मिलेगा मुझे कुबेर का खजाना। आपका मतलब है कुबेर का खजाना हमारा है ना? मुंह बंद रख शकुर। कुबेर का खजाना सोना बांटने की बात पर मुंह बंद। झूठा है तू गुरकाल। समझ गया मैं तेरी चाल। तू चाबी मिलने के बाद भी मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है यही ना? लेकिन आएगा मेरा भी दिन आएगा और बहुत जल्द आएगा। इसे तो मैं भी चाबी चाहिए। कहीं गुरकाल के साथ मिला तो नहीं? हम बुराई को जीतने ही नहीं दे सकते। हम रुद्र के रक्षक है। अभी विशु माया की मौत बुराई की जीत होगी और अगर इसे बचाने का यही एक तरीका है तो यही सही है। महाराज जी हम आपको रुद्र की मायावी चाबी देने के लिए तैयार है। बताइए कि वो दूसरी चीज कौन सी है? उसके लिए तुम लोगों को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। सूर्यास्त में आप सिर्फ 40 मिनट बाकी है और ध्यान रहे ये परीक्षा तुम लोगों को बिना शक्तियों की पूरी करनी पड़ेगी। क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ हम तैयार हैं। तो पहली परीक्षा है तुम लोगों की बुद्धि की। तो ठीक है नहीं तो तुम दोनों घुट घुट के मरोगे है ना मंत्री? जाइए गुरुजी, डुक्कू अभी और विशु को लाने गया है। अपने भाइयों के बगैर मेरी माया का अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है? तुम्हें बता चुके हैं रुक्मणी, सिर्फ 40 मिनट बचे, इससे पहले क्रियाकर्म करना होगा।
टुकु तुम आ गए, अभी और विशु कहाँ है? दीदी मैंने हवेली का कोना कोना चांद मारा पर मुझे कहीं नहीं मिले वो लोग। कहाँ रह गए ये दोनों? यार कितना स्टूपिड है, 100 मीटर भागने के कोई टेस्ट नहीं है क्या? ये फिर कोई खाने का कंपटीशन नहीं है? अगर माया यहाँ पर होती ना तो पक्का बोलती कि अभी भी मुझे खाने की पड़ी है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं भी माया को बचाना चाहता हूँ विशु, किसी भी हाल में आप जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। पहले ही मुझे ले। आदित्य कहाँ है अभी और विशु? बच्चे हैं रुक्मणी, माया को इस हालत में नहीं देखना चाह रहे होंगे। हाँ रुक्मणी, हवेली में ही होंगे कहीं। आदित्य वो भाई है माया के, और उन दोनों के बगैर मेरी माया का अंतिम संस्कार नहीं होगा। बस सिर भाजी टका सिर खा जा। देखो इन दोनों बच्चों का बच गया बाजा। मंत्री चलो। नाम मेरा चुलबुल, बोलो बात पते की। ये देखिए महाराज, पहली परीक्षा पूरी कर लीजिए, अब बताइए दूसरी क्या। तुम्हारी बुद्धि तो बहुत तेज है, इतनी कि तुम दोनों के लिए काफी है, पर अब अगली परीक्षा है साहस की। महाराज जी माया के लिए हमें हर चीज करने का साहस है। दूसरी परीक्षा है साहस की, 20 मिनट बचे हैं सूर्यास्त होने में। तुम्हारे पास तब तक का समय है इस गोलू गुड़िया को हराने का। आदित्य समय खत्म हो रहा है, देखो देखो उनकी तरफ प्रेत जमा हो रहे हैं। हम दाह संस्कार में देर नहीं कर सकते। आदित्य आदित्य गुरुजी किसी की बात नहीं सुनने माने, कहाँ है अभी और विशु? देखो सूरज को देखो, 10 मिनट में सूर्यास्त होने वाला है, जल्दी करो। 10 मिनट सोच क्या रहे हो आदित्य, चिता जलाओ। वो देखो शैतानी शक्तियां माया के शरीर को वश में करने जा रही हैं। तो
रुक जा विशु, जाने दो मुझे अभी, मत रुक, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगले 10 मिनट में अनीस को नहीं आ रहा है तो हम माया को हमेशा के लिए खो देंगे। यहाँ ताकत से काम नहीं चलेगा, हमें अपना दिमाग लगाना होगा। एक कुतुब मीनार, तुम तो बहुत पुराने मॉडल हो, कछुए की तरह धीरे चलते हो, तुमसे रेस तो हम लोग चल ले। आजा, मार ना मार। परीक्षा पूरी कर ली। गीता चलाओ आदित्य। की दोनों परीक्षा पूरी कर ली महाराज, अब जल्दी से भाई की आत्मा में लौटा दीजिए। अद्भुत, ये तो चमत्कार है। क्या कौन से चमत्कार की बात करें? माया, और मुझे एक लकड़ियों पे क्यों लेटाया है? ये सब क्या हो रहा है? माया, माया, मेरा बेटा। महाराज जी, आपने अपना वादा पूरा किया, अब हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। बताइए कि आपको और क्या चीज चाहिए? मुझे सिर्फ वो जादुई काली सुई चाहिए। वैसे मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि कोई भी गुड़िया बुरी नहीं होती, बुरे इंसान उन्हें जादुई सुई चुभा के उन पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें बुरा बना देती। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि सभी सुइयों को ताकत देने वाली वो जादुई काली सुई जो पृथ्वी लोक में है, तुम दोनों मुझे वो ला के दे दो, बस बाकी और कुछ नहीं। जरूर महाराज जी, हम अपना वादा पूरा करेंगे। चल रुको, कैसे विश्वास करूं कि यहाँ से जाने के बाद तुम लोग जादुई काली सुई मुझे ला के दोगे? महाराज जी, बताइए कि हम आपको भरोसा कैसे दिलाएं? उसके लिए तुम लोगों को अपनी ये जादुई चाबी मेरे पास गिरवी रखनी होगी। जब धरती लोक से काली सुई ले आओगे तब अपनी चाबी वापस ले जाना। नहीं, अभी चाबी मत दे। नहीं मिशु, इन्होंने हमारी बहन माया की जान बचाई है। महाराज जी, हम आपको चाबी देने के लिए तैयार हैं।
चाल में फंसी गया। जो चाबी तुमने अपने शरीर के बाहर निकाली उसे मैं पाकर रहूंगा। कालों के काल गुरु काल का ये वादा है। मंत्री महाराज, आपसे एक विनती है, आप इस मायावी चाबी की ना पूरी तरह से रक्षा करिएगा और इसे किसी के भी हाथ मत लगने दीजिएगा। ना अगर किसी बुरी शक्ति के हाथ लग गई तो तीनों लोगों पर बुराई का अंधेरा छा जाएगा। निश्चिंत रहो मेरे बच्चों, तुम लोग बस अपना वादा पूरा करो। सदियों का इंतजार खत्म हुआ। अब अगले 24 घंटों में वो मायावी चाबी मेरे कब्जे में होगी। वो मायावी चाबी मेरे कब्जे में। माया, अभी विशो माया, तू ठीक है ना? मानू ने ना बिल्कुल ही डरा दिया था। अभी विशु कहाँ थे तुम दोनों? हम तो हवेली में ही थे। आप डुग्गू मामा से पूछ लीजिए। हाँ, हमने उनको आवाज भी दिया था लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। नहीं, मम्मी का तो मैं सच कह रहा हूँ, नहीं बुलाया मुझे। मेरा नाम डुग्गू भोपाली ऐसे नहीं है। खामोश।